हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का एडुकेशन साइकोलॉजी का 8 चैप्टर, जिसका नाम है पर्सनालिटी, उसका हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना टाइम के वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया पर्सनालिटी। इट इज यूजुअली रिफर्स टू द इंप्रेशन दैट इट क्रिएट्स अपॉन अनदर। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि इंप्रेशन, तुम मतलब कि आप दूसरे के सामने कैसा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, कैसा उसे दिखा रहे हैं, कैसा शो कर रहे हैं अपना पर्सनैलिटी, वो आपका पर्सनैलिटी कहलाता है। ए पर्सनैलिटी इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच एज। पर्सनैलिटी बहुत सारे चीज़ को मिलकर बनता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं पर्सनैलिटी के, जैसे कि ड्रेसिंग मैनर हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, वो आपको पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगा। आपका अपेरेंस कैसा है, आपका स्पीच कैसा है, हैबिट कैसा है, नॉलेज कैसा है, और यहाँ एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो सेवरल मेंटल फंक्शंस, ये सारी चीज़ें ना आपको पर्सनैलिटी को अफेक्ट करते हैं और पर्सनैलिटी इस सारे फैक्टर पे भी डिपेंड करते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट थे ने पर्सनैलिटी को डिफाइन किया, यहाँ क्या लिखा हुआ पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वेटसन, पर्सनैलिटी इज सम ऑफ एक्टिविटी दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रियलाइजेबल इन्फॉर्मेशन। जो पर्सनैलिटी है, जो किसी इंसान को एक्चुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं, लंबे समय तक उसको ऑब्जर्व करते हैं, और उसको जो हम एब्जॉर्व करने के बाद जो हम बताते हैं, जो हमको निष्कर्ष निकलता है, वो हमारा पर्सनैलिटी होता है। ठीक है, पर्सनैलिटी और कैरेक्टर में क्या अंतर है वो यहाँ पर हम समझेंगे। पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर आर नॉट सेम, यानी कि पर्सनैलिटी और कैरेक्टर आपको लगता होगा कि सेम है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पर्सनैलिटी और कैरेक्टर कभी सेम नहीं होता है। चलिए क्यों। व्हेन वी टॉक अबाउट ए पर्सन कैरेक्टर टू एक्वायर हाउ गुड और बैड हिज बिहेवियर, जब हम किसी आदमी का, किसी पर्सन का कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, तो हम ये हमारे मन में या फिर किसी के दिमाग में ये आता है कि या तो गुड या फिर अच्छा, या तो अच्छा करेक्टर या फिर बैड करेक्टर, यही तो आता है। बैड हिज बिहेवियर एंड पास जजमेंट ऑफ राइट एंड रॉन्ग ऑन इट, और हम जजमेंट पास कर देते हैं कि वो सही है या गलत है, गलत कर रहा है या फिर गलत आदमी है, वो अच्छा आदमी है, सही आदमी है, करेक्टर का सही है, उसका करेक्टर गलत है, ऐसे हम जजमेंट पास करते हैं। ठीक है, बट देयर इज़ नो गुडनेस और बैडनेस कॉन्सेप्ट इन पर्सनैलिटी, इट ओनली इन्फ्लुएंसेस इंटीग्रेशन ऑफ साइकोफिजिकल फंक्शन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और पर्सनैलिटी जो है, इसमें कोई भी गुडनेस और बैडनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है ना समय के साथ चेंज होता है और सिचुएशन के साथ बदलते रहता है। ठीक है, इसको पर्सनैलिटी बोलेंगे। आगे क्या है, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो है, इसका क्या क्या एलिमेंट्स हैं, पहले आ जाएगा फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस पर ही पर्सनैलिटी डिपेंड करेगा। इसमें जो फैक्टर्स है उसमें ही पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आ जाएगा फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस में हो गया कि किसी पर्सन का हाइट कैसा है, कितना है, ज़्यादा है, कम है, किसका उसका मतलब वेट कैसा है, वॉइस कैसा है, ड्रेस कैसा है, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, मतलब कैसा वो कपड़ा पहने, फिजिक्स कैसा है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, एंड अदर करेक्टर्स डिटरमाइन द पर्सनैलिटी। ठीक है, इंटेलिजेंस, इट इज़ द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड एडजस्ट टू ए न्यू सिचुएशन विच अल्टीमेटली इफेक्ट द पर्सनैलिटी। इंटेलिजेंस भी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है कि उसके पास कितना दिमाग है, कितना सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, कितना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, कितना वो नए सिचुएशन में अडॉप्ट कर लेता है, वो उसका इंटेलिजेंस बताता है। इंटेलिजेंस भी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। यहाँ पर कुछ IQ स्कोर दिया गया है, तो एक थोड़ा पुराना IQ स्कोर है, आगे हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको बता देंगे कि क्या क्या IQ स्कोर है, उसका मेंटल टाइप कैसा होगा। इसको हम छोड़ देते हैं, आगे हम बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे। चलिए, तो उसके बाद हो जाएगा इमोशनलिटी। द इमोशनल स्टेट में भी वेरिंग डिग्रीज एंड जनरली आर 4 टाइप्स। इमोशनल स्टेट है वो भी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, और यह ना 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला हो जाएगा इलेट टाइप। दिस मीन्स ए पर्सन इज वेरी एक्टिव एंड चीयरफुल एंड ओवर फ्लोइंग विथ हैप्पीनेस, बट सच ए पर्सन डज नॉट टेक एनीथिंग सीरियसली एंड ऑलवेज गेटिंग इन ट्रबल। इलेट जो टाइप का पर्सन होता है, वो हमेशा खुश रहता है। ठीक है ना, हमेशा खुश रहेगा, उसके बाद कोई भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेता है। और इस तरह का जो पर्सन होता है, वो जनरली प्रॉब्लम में आ जाते हैं, ट्रबल में आ जाते हैं। वो जो करेक्टर शो करते हैं, वो इलेट टाइप का होता है, इलेट टाइप के पर्सन वो होते हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा डिप्रेस टाइप। इट इज़ द अपोजिट ऑफ द इलेट टाइप। इलेट टाइप में जो पर्सन होता है, उसके जो अपोजिट में आते हैं, वो हो जाएगा डिप्रेस टाइप। इसमें क्या होता है, सच पर्सन मूडी, मतलब कि उसका दिमाग हमेशा चेंज होता रहेगा, डिप्रेस रहेगा, एंड कांट एंजॉय एनीथिंग, किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करेगा, एकदम बोरिंग फील करेगा, एकदम चुपचाप बैठा रहेगा। दे ऑलवेज सी द डार्क साइड ऑफ द थिंग, कोई भी चीज़ का हमेशा नेगेटिव साइड, डार्क साइड देखेगा। इस टाइप का जो जिसका इमोशनल फैक्टर होगा, इस टाइप का जिसके पास पर्सनैलिटी होगा, डिप्रेस टाइप। ठीक है, थर्ड रहेगा इरेटेबल टाइप। दिस टाइप ऑफ पर्सन आर ऑलवेज लूजिंग टेम्पर, पिक अप क्वरल्स एंड एंग्री विद द वर्ल्ड। और इरेटेबल पर्सन ऐसे पर्सन होते होंगे, इरेटेबल टाइप का पर्सनैलिटी ऐसे पर्सन में होगा जो बहुत जल्दी जल्दी टेम्पर खो जाता है, एक बार गुस्सा हो जाएगा, एक बार शांत हो जाएगा, और हमेशा झगड़ा करते रहेगा, और गुस्सा होकर लोगों से झगड़ा करेगा, और हमेशा दूसरे पर चिल्लाता रहेगा।
ये हो जाएगा इरेटेबल टाइप। और अनस्टेबल टाइप क्या होता है? सच टाइप ऑफ पर्सन्स आर चेंजिंग मूड्स फ्रिक्वेंटली, हमेशा उसका मूड चेंज करता रहेगा, कभी इमोशनल हो जाएगा, कभी सैड हो जाएगा, कभी एंग्री हो जाएगा, हमेशा चेंज होता रहेगा। दे आर इरिटेबल एट वन टाइम एंड इलेटेड एट अनदर टाइम। कुछ टाइम इरिटेबल रहेगा, कुछ देर के बाद वो इलेटेड टाइप हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर है ना उस पर्सन में पाया जाएगा जिसे बोलेंगे अनस्टेबल टाइप। उसका सोशियबिलिटी, ए पर्सन इज सोशियबल वेन ही इंजॉय द कंपनी ऑफ अदर्स एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशनशिप, दिस ट्रेट इज अफेक्टेड द पर्सनैलिटी। सोशियबल मतलब कि कौन, कोई भी पर्सन कितना दूसरे पर्सन से मिल रहा है, कितना उसे दोस्ती बना रहा है और अपना गोल्स को शेयर कर रहा है, बातचीत कर रहा है, वो उसको सोशियबिलिटी को बढ़ाता है और सोशल ज़्यादा होता है। तो ये जिसमें होता है उसका पर्सनैलिटी इफेक्ट करता है, यानी कि पर्सनैलिटी चेंज होता है। और ये भी है ना एक फैक्टर होगा जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगा। आगे मोरल कैरेक्टर, दिस स्टेट ऑफ पर्सनैलिटी रिलेटेड टू, इस तरह का पर्सनैलिटी किसी से रिलेटेड है, जैसे कि हेल्पफुलनेस, मदद करने वाला, मे पर्स्यू वेल डिफाइंड गोल्स एंड प्रपोज बेनिफिट्स टू द सोसाइटी व्हेन द मोरल कैरेक्टर इज गुड। मोरल कैरेक्टर ऐसा इंसान जो अच्छाई करने की चाहत मोरल कैरेक्टर उसमें हो। यहाँ पर कुछ कैरेक्टर हैं वो पर्सनैलिटी के जो मोरल कैरेक्टर के अंदर आते हैं, तो ये सारी बातें यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, कौन कौन से कैरेक्टर हो सकते हैं। एक साइंटिस्ट है डिवेडेनम, उन्होंने नंबर ऑफ गुड पर्सनैलिटी को ट्रेट्स को बताया है, एक बाई एक करके बताते हैं। सबसे पहला हो जाएगा गुड मैनरिज्म, उसके बाद चीयरफुलनेस, उसके बाद हो जाएगा कोऑपरेटिवनेस, उसके बाद एम्पैथी, जेनरोसिटी, सिंसियरिटी, काइंडनेस, ऑनेस्टी, सिंपैथी, लॉयलिटी, मॉडेस्टी और हो जाएगा लास्ट ट्रूथवर्डीनेस। ये सारे कैरेक्टर हैं जो मॉरल कैरेक्टर जो अच्छा पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डिटरमाइंस ऑफ पर्सनैलिटी और डिटर्मिनेशन ऑफ, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जिस पर पर्सनैलिटी डिपेंड करेगा, किसी का ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट का फैक्टर उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट या ग्रोथ होने के लिए कौन कौन से फैक्टर है जिस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, सारी बात हम इसमें देखेंगे। तो ठीक है, सबसे पहला हमारा हो जाएगा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट फैक्टर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट पर्सनैलिटी। मतलब कि हेरिडिटी कैसा जेनेटिक आया है और कैसा एनवायरनमेंट हुआ है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है किसी का पर्सनैलिटी में, ठीक है ना। ऑफ स्प्रिंग्स इनहेरिटेड मोस्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स एंड फॉस्टर फादर्स। बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत सारे पर्सनैलिटी जो होते हैं जो अपने पिताजी से बचा लाता है, ठीक है ना। तो इस पर भी हेरिडिटी पे भी पर्सनैलिटी डिपेंड करेगा। और आफ्टर द बर्थ, बर्थ होने के बाद द चाइल्ड इज एक्सपोज टू मेनी एनवायरनमेंट फोर्सेस, दीज आर टू टाइप्स। और बर्थ होने के बाद बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में जाते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी उसके अकॉर्डिंग डेवलप होता है। तो इसका दो तरह का हो सकता है। तो पहला हो जाएगा फिजिकल फोर्सेस, फिजिकल फोर्स वाला इन्वायरमेंट, फिजिकल फोर्स इन्वायरमेंट जो होकर फिजिकल फोर्स होगा। कौन सा फिजिकल फोर्स हो सकता है? जैसे कि आपका फूड हो गया, फिजिकल एटमोसफेयर हो गया, स्कूल का या फिर होम का कैसा आपका एटमोसफेयर, कैसा आपको खाना मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपका पर्सनैलिटी बनेगा। और दूसरा हो जाएगा सोशल या कल्चर फोर्सेज, सोशल या कल्चर फोर्सेज में हो गया जैसे कि आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपका फैमिली मेम्बर कैसे हैं, आपका सोसाइटी कैसा है, आपका फ्रेंड कैसा है। जैसा आपको एक्सपोजर मिलेगा वैसा आपको पर्सनैलिटी डेवलप होगा। तो इस पर भी आपका इस सारे फैक्टर इस पर भी आपका पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। और आगे क्या है? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इट ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस। ए हैंडसम फेस इज मोर अट्रैक्टिव एंड पॉपुलर देन ए ऑर्डिनरी अपेरेंस। मतलब कि जो हैंडसम है, जो ज़्यादा सुंदर है, जो ज़्यादा अच्छा दिखता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, वो ज़्यादा पॉपुलर होता है कोई ऑर्डिनरी पीपल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए उसको भी बोल सकते हैं एक तरह से पर्सनैलिटी उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आगे हो जाएगा बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर्स लाइक बॉडीली स्ट्रक्चर, बॉडी का कैसा स्ट्रक्चर है, उसका हेल्थ कैसा है, नर्वस सिस्टम कैसा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेक अ डिफरेंस टू पर्सनैलिटी मेकअप। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी है ना, वो भी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में काफ़ी बड़ा योगदान देता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में समझते हैं, ओवर एक्टिव थायराइड मेक्स द मैन क्यूक। अगर किसी का थायराइड है ना ज़्यादा एक्टिव है, तो वो मैन है ज़्यादा क्यूक काम करेगा, ज़्यादा जल्दी से काम करेगा, उसका दिमाग फ्री रहेगा और फास्ट काम कर पाएगा। एंड अंडर एक्टिव थायराइड मेक्स हिम केयरलेस एंड लेजी, और उसका थायराइड ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो उसको लेजी बना देगा, केयरलेस बना देगा। तो ये सारी बातें हो सकती है, यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर भी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। आगे हो जाएगा जियोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेट, इट ऑल्सो ब्रिंग अ डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। ये भी है ना पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है, जैसे कि फूड हो गया, टेम्परेचर हो गया, लिविंग कंडीशन, इट इज़ कैन बी एबल टू क्रिएट डिफरेंस। ये सारी कंडीशन जो है जियोग्राफिकल कंडीशन या फिर क्लाइमेट, ये है ना पर्सनैलिटी को इफेक्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ मसल्स कैन बी एट्रीब्यूटेड प्राइमरी टू द एनवायरनमेंट।
इन्वायरमेंट, यानी कि किसी का मौसम ज़्यादा डेवलप किया है, किसके कारण इन्वायरमेंट या फिर जोग्राफी का कंडीशन कैसा, क्लाइमेट का, उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो हमारा पर्सनैलिटी भी है ना जोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेट पर डिपेंड करता है। और उसके बाद आता है कल्चरल इन्वायरमेंट। पर्सनैलिटी इज ऑल्सो डिटर्न बाई द कल्चरल एटमोसफियर। पर्सनैलिटी है ना कल्चरल इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। कल्चर ऑफ टू टाइप्स, कल्चर दो तरह का होता है। पहला होता है मेटेरियल कल्चर, डेट इनक्लूड्स फिजिकल सोर्सेज, जो मेटेरियल जिसे टच कर सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गए, इंप्लीमेंट्स हो गए, इसके कारण भी हमारा पर्सनैलिटी इफेक्ट करता है। इस पर भी मेरा पर्सनैलिटी, किसी का भी पर्सनैलिटी डिपेंड करता है। नॉन मेटेरियल कल्चर, इसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा आपका वैल्यूज़ क्या है, कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशन क्या है, नॉर्म्स क्या है, रिलीजियस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर भी आपका पर्सनैलिटी इफेक्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल में दिया गया है, या पर्सनैलिटी या मिलिट्री पर्सनल डिफर फ्रॉम द सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी, ए सोल्जर इज मोर पंचुअल डिसिप्लिन देन ए कॉमन टू मैन, ठीक है, आप समझ गए, एग्जांपल से समझ गए होंगे, ठीक है। द वर्ड पर्सनैलिटी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क और वेल और ए फॉल्स विसेज। इन मॉडर्न इंडिया द आर्टिस्ट प्ले रामलीला वियर अ मास्क। तो इस तरह से पर्सनैलिटी का मीनिंग आप समझ सकते हैं, इसको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। पर्सनैलिटी डिफाइन है साइंस ऑफ बिहेवियर एक्सपीरियंसेस ऑन ह्यूमन बींग्स, जो एक साइंटिस्ट है उनके द्वारा दिया गया था, BF Skinner, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ठीक है ना। साइकोलॉजी जो है ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है और ह्यूमन का रिलेशनशिप का स्टडी है, जो क्रो एंड क्रो एक साइंटिस्ट है उनके द्वारा दिया गया था। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, फिर साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ सोल। एरिस्टोटल के अनुसार साइकोलॉजी है ना स्टडी ऑफ सोल है, आत्मा का अध्ययन है। अकॉर्डिंग टू जॉन लॉकी, माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज ट्रबला रशा, यानी कि जॉन लॉकी के हिसाब से माइंड जो है ना, जो बच्चा का जो माइंड होता है, वो ब्लैक स्लेट के जैसा है। जैसे कुछ भी लिख दो वो उसको पकड़ लेगा, उसको सीख सकता है, समझ सकता है, उसको आसानी से हम समझा सकते हैं, ठीक है। कैस्टलिज्म, इट मीन्स परसेप्शन एज ए वोल वर्थमर और वार फाउंड ऑफ कैस्टल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये आपको नहीं पढ़ना है, ये एक्स्ट्रा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसकी हम बात करते हैं। हिप्पोक्रेट्स क्लासिफिकेशन, हिप्पोक्रेट्स एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया है, ट्राई टू क्लासीफाई ऑल ह्यूमन बींग्स इंटू फोर कैटेगरी बेसिस ऑफ द टेम्परामेंट, यानी कि हिप्पोक्रेट्स जो थे वो उन्होंने क्लासीफाई किया है पर्सनैलिटी को किसके अनुसार से, टेम्परेट के अनुसार से चार भागों में बांटा गया है। तो उसकी बात करते हैं, पर्सनैलिटी चार भागों में बांटा गया है। यहाँ पर पर्सनैलिटी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर टेम्परेट करेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है। जिसका अगर सैंग्विन पर्सनैलिटी है तो ऑप्टिमिस्टिक होगा, पॉजिटिव होगा, हैप्पी होगा, एकोमोडेटिंग होगा। मेलनकोलिक होगा जिसका, सैड होगा, बैड टेम्पर्ड होगा, डिप्रेस्ड होगा, पेसिमिस्टिक होगा, निगेटिव होगा। और कोलेरिक टाइप का पर्सनैलिटी होगा, वो इरिटेबल होगा, चिड़चिड़ापन जैसा व्यक्ति होगा, गुस्सा वाला होगा, बट पैशनेट होगा। और फ्लैगमेटिक जो उसका होगा, कोल्ड होगा, कैम होगा, स्लो होगा, इंडिफरेंट होगा। और दूसरा हो जाएगा सेल्डन्स क्लासिफिकेशन। आगे एक और साइंटिस्ट है सेल्डन, उसने भी पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया है। इन्होंने क्लासीफाई किया है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, द पर्सनैलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इंटू सर्टन टाइप्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल स्ट्रक्चर। और इन्होंने सेल्डन्स जो थे, इन्होंने पर्सनैलिटी को व्यक्ति के स्ट्रक्चर के अनुसार से उसे क्लासीफाई किया है, स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है। तो चलिए पर्सनैलिटी टाइप्स, यहाँ पर सोमैटिक डिस्क्रिप्शंस और यहाँ पर्सनैलिटी करेक्टर, मतलब यहाँ पे ऐसा पर्सनैलिटी होता है कैसा करेक्टर शो करेगा, उसका डिस्क्रिप्शंस क्या है, ये तीनों इसमें बताया गया। तो इन्होंने तीन भाग में बांटा है। तो पहला हो जाएगा इंडोमॉर्फिक। इंडोमॉर्फिक मतलब इसका करेक्टर, मतलब कि फिजिकली कैसा दिखेगा, सॉफ्ट राउंड होगा और फैट बॉडी होगा। पर्सनैलिटी कैसा होगा, कम्फर्ट लविंग होगा, सोशिएबल होगा, कंफर्ट को हमेशा प्यार करेगा, और सोशल लोगों से ज़्यादा घुलेगा मिलेगा। मेसोमॉर्फिक उसका स्क्वायर बॉडी होगा और हार्ड बॉडी होगा, एक्टिव होगा, ज़्यादा एक्टिव होगा किसी काम को करने पर, एनर्जेटिक, कोई भी काम करके एनर्जी के साथ एग्रेसिव होगा, गुस्से वाला होगा। और एक्टोमॉर्फिक सिलेंडर स्मॉल बॉन्डेड पर्सन, सेलिट्यूड लोनलीनेस, अकेलापन महसूस करेगा, रिजर्व रहेगा हमेशा। पर्सिमेटिक होगा, ठीक है, ये सारे करेक्टर है। तीसरा आ गया जंग्स क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है, उन्होंने भी पर्सनैलिटी को, ह्यूमन पर्सनैलिटी को दो भाग में बांटा है, ठीक है। पहला हो जाएगा इंट्रोवर्ट, दूसरा हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट।
इंट्रोवर्ट मीन्स टर्निंग इनवर्ड, मतलब इंट्रोवर्ट मतलब कि अपने आप में ही खुश रहना, ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना, एक्सो मतलब कि अपने आप को दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना, घुलना मिलना ज़्यादा लोगों से, सोशियबल ज़्यादा होना, ये बात है यहाँ पर बताया गया। द सेल्फ सेंटर्ड टाइप्स ऑफ पर्सन आर कॉल्ड इंट्रोवर्ट्स एंड दोज डीपली इंसर्टेड इन अदर्स आर कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट्स। ऐसा लोग जो अपने आप में ही खुश रहते हैं, ज़्यादा लोग से मिलते जुलते नहीं हैं, वो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो लोग से ज़्यादा मिलते हैं, सोशल होना चाहते हैं, लोगों से ज़्यादा बात करते हैं, वो जाएगा एक्सट्रोवर्ट्स। लोगों के साथ ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं और फ्रेंड्स ज़्यादा बनाते हैं, वो जाएगा एक्सट्रोवर्ट्स। यहाँ पर एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट में यहाँ पर डिफरेंस दिया गया है थिंकिंग, दोनों का थिंकिंग में क्या क्या अंतर होगा। मोर थ्योरेटिकल इंट्रोवर्ट होगा, मोर थ्योरेटिकल होगा, डिटैच्ड होगा, एलूप होगा, एलूप मतलब कि दूर अलग, और एक्सट्रोवर्ट जो होगा रियलिस्टिक होगा, प्रैक्टिकल होगा, सपोर्ट होगा, थ्योरी विद फैक्ट्स होगा, कोई भी चीज़ करेगा वो किसी थ्योरी के बेस पे करेगा, किसी फैक्ट के बेस पे करेगा, ठीक है। और फीलिंग कैसा होगा, डे ड्रीमर, दिन में सपना देखने वाला होगा, एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक दिस एंड लाइक डिस लाइक एंड डिसलाइक, और बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज़्यादा उसका फीलिंग होगा लाइक से डिसलाइक से। मोर सोशल और ऐसा यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट में हो जाएगा मोर सोशियल सोशल एंड ऑब्जेक्टिव टू आउटलुक, ठीक है। उसका सेंसेशन डिससेटिस्फाई होगा, अनहैप्पी होगा, एंड पोसेस रिफाइंड टेस्ट एंड इंटरेस्ट, इसका हो जाएगा एक्सट्रोवर्ट का फ्रेंडली टैलकेटिव एंड गुड ईटर्स, और ठीक है। दूसरा यहाँ पे है बेटर इन राइटिंग दैन स्पीकिंग एंड इंटरेस्टेड मूड, मतलब कि इंट्रोवर्ट जो होगा वो राइटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, बोलने से ज़्यादा उसको लिखना पसंद होगा और बुक पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल आइडियाज़, नो पेशेंस फॉर एब्स्ट्रैक्ट थ्योरेटिकल आइडियाज़, उसको ज़्यादा पेशेंस नहीं होगा थ्योरेटिकल आइडियाज़ में, वो है ना अप्लाई उसको करेगा, लोगों को ज़्यादा दोस्त बनाएगा, लोगों से ज़्यादा बात करेगा, खाने में ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा वो खाने वाला होगा, वो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट। और जगह इंक्लूशन, मोर सब्जेक्टिव एंड कंसर्न विथ प्रोबेबिलिटीज दैन एक्चुअलिटीज, मोर सब्जेक्टिव ज़्यादा सब्जेक्टिव होगा, ठीक है ना, कंसर्न विथ प्रोबेबिलिटीज दैन एक्चुअल्स, ठीक है ना। और इधर दिया गया एक्सट्रोवर्ट में मोर ऑप्टिमिस्टिक, ज़्यादा पॉजिटिव होगा, एंड चेंज सीकर खोज करने वाला होगा, ठीक है। और यहाँ पे इंट्रोवर्ट में दिया गया मूडी, हमेशा दिमाग चेंज होने वाला, मूड चेंज होने वाला, अनस्टेबल, टेम्परामेंटल। और इसमें एक्सट्रोवर्ट में जगह रिस्क टेकिंग, रिस्क कोई भी काम में रिस्क लेता है, ठीक है ना। असेट इनिशिएटिव जजमेंट, और किसी चीज़ में वो जजमेंट पास करता है और जजमेंट देता है, ठीक है। आप इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट अच्छे से समझ चुके होंगे। और यहाँ पे एक और आगे लास्ट में एम्बीवर्ट क्या था उसके हम बात करते हैं। इट वॉज एट ए लेटर ऑन एज द इंडिविजुअल डज नॉट कॉन्फिडेंट इन टू टू टाइप्स। एम्बीवर्ट जो है बाद में फिर से डिस्कवर किया कि ऐसे पर्सन जो ना तो इंट्रोवर्ट में ना तो एक्सट्रोवर्ट में फिट हो रहे थे, तो उन लोगों को उन इंडिविजुअल्स को एम्बीवर्ट में रख लिया। एम्बीवर्ट में वैसे लोग आते हैं, इसमें दोनों का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा शो करता है, थोड़ा इंट्रोवर्ट का भी और थोड़ा एक्सट्रोवर्ट का भी, तो वो सारे पर्सन को एम्बीवर्ट में रखा गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है इट प्लेस इन बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट एंड पार्टली इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट्स। Their behavior is balanced रहता है। They are interested in their own thoughts and emotions, also in other persons and their actions. Most of the belongs to the ambivert types, ठीक है। आप समझ चुके होंगे इसको अच्छे से। अब चलिए रोल ऑफ पर्सनैलिटी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि पर्सनैलिटी का क्या रोल है एक्सटेंशन में, क्यों जरूरत है यहाँ पर पढ़ने का, क्या काम है पर्सनैलिटी का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में, ठीक है ना, इसकी हम इसमें बात करते हैं। द एक्सटेंशन पर्सनल हैज़ टू डील विद द फार्मर्स हैविंग डिफरेंट मेंटल मेकअप फॉर द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। एक्सटेंशन ट्रेनर या फिर एक्सटेंशन वर्कर को एक्सटेंशन प्रोग्राम को है ना फार्मर के साथ डील करना होता है, उनके साथ बातचीत करना होता है, उनको डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है। तो पर्सनैलिटी का अध्ययन करके हम फार्मर के मेंटल मेकअप को पहचान सकते हैं ताकि उसको टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर सके। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट विद ऑल द कैटेगरीज ऑफ फार्मर, बट द पंचायत ऑफिसर कैन पर्सनल कैन असिस्ट द एक्सटेंशन ऑफिसर टू आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी ऑफ द विलेजर्स। हम बहुत सारे मतलब कि कोई भी गांव में जाएंगे तो उसमें बहुत सारे फार्मर्स होंगे, एक एक करके या फिर सबसे तो हम नहीं बात कर पाएंगे, तो हम क्या करेंगे पंचायत ऑफिसर पर्सनल से बात करेंगे और वो हमें बताएगा कि पर्सनैलिटी जो विलेजर है जो फार्मर है उसका क्या पर्सनैलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी एक्सटेंशन वर्कर अपना कोई प्रोग्राम को उसमें लॉन्च कर सकता है, कोई प्रोग्राम वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग दे सकता है या फिर कोई टेक्नोलॉजी वहाँ पर बता सकता है जो
फार्मर से अडॉप्ट कर सके, उसके पर्सनालिटी को सूट करे, उसकी वर्ड हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे है, द फार्मर विद पॉजिटिव इमोशंस कैन बी आस्क टू स्पीक इन पब्लिक मीटिंग टू इनकरेज अदर फार्मर्स। और जो 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 फार्मर्स है ना, पॉजिटिव इमोशंस शो कर रहे हैं यानी पॉजिटिव पर्सनालिटी शो कर रहे हैं, तो उसको हम पब्लिक स्पीक में बोलने के लिए बुलाएंगे, ताकि और जो फार्मर्स है जो नहीं बोल पा रहे हैं, जो पीछे हैं, उनको और भी आगे ले जा सके, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर कर सके और वो भी अपना अच्छा कर सके। आगे है, एक्सटेंशन वर्कर इजली अप्रोच सोशियबल एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड दे कैन बी यूज एज दे कम्युनिकेटर टू प्रमोट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। और जो एक्सटेंशन वर्कर है ना, वो एक्सट्रोवर्ट जो पर्सन होते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो फार्मर्स होते हैं, उसे अप्रोच करेंगे ताकि वो अच्छे से अपने बात को रख सके, अपने अच्छे से वो बोल पाएंगे, अच्छे से कुछ चीज़ को समझा पाएंगे और अच्छे से अपना इमोशन को शो कर पाएंगे। उससे हम बात करेंगे और उसको हम समझाएंगे, ताकि वो है ना और भी अपना जो और भी अपने गांव के जो फार्मर्स है उसे समझा पाए, उसे वो बता पाए और है ना किसी नए प्रोग्राम को वो उस विलेज में ला सके और सारे फार्मर उसको लाभ उठा सके। इसके लिए हम ये कर सकते हैं। चलिए आगे है, द फार्मर हु आर वोकल एंड गुड मैनरिज्म में कम्युनिकेट विद ब्यूरोक्रेटिक पीपल लाइक BDO कलेक्टर फॉर कॉमन इंटरेस्ट फॉर द पीपल। और ऐसे फार्मर जो बोलने में अच्छा है, अच्छा गुड मैनर उस शो कर रहे हैं, अच्छा से बोल पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, सब सारे जो पीपल्स होंगे, सारे जो फार्मर्स होंगे, उनका एक लीडर बन के है ना BDO से बात करेगा या फिर किसी बड़े आदमी से बात करेगा, उनके उच्च स्तर वाले लोग उनसे बात करेगा, ताकि है ना उनको जो कमी हो रहा है, उनको जो नुकसान हो रहा है, उसमें सुधार हो सके और लोगों का बात उन तक पहुँच सके। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी चीज़ है जो एक्सटेंशन वर्क में काम आती है। ये सारा पर्सनालिटी का रोल होता है एक्सटेंशन में। तो दोस्तों, ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाता है या फिर कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप फिर से इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं कुछ समझ में आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका जवाब दे दूँगा। चलिए दोस्तों, अब मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट लेक्चर के साथ, किसी और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।